हाउ टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना लोगों के साथ, वो सोचते हैं कि हम एक महीने सीपी करेंगे एंड हम गॉड बन जाएंगे. आप ऐसी वेबसाइट से एकदम स्टार्ट करोगे ना तो आपका आपको बहुत डिमोटिवेशन मिलेगा. मेरे पहले 10 कॉन्टेस्ट में आई थिंक एक दो कॉन्टेस्ट में ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी. जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये माइंड सेट लेके जाना चाहिए कि मैं एकदम नूब हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा. इतना डिमोटिवेशन होता था, मतलब मैं कोड जैम की प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मुझसे एक भी नहीं हो रही है पूरे कॉन्टेस्ट में. अगर आप उसको रेज्यूमे पे लिखते हो तो हर कोई जानता है ICPC क्या होता है, तो उसकी काफी वैल्यू है. जैसे अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो या फिर आपके कॉलेज में ज्यादा कोडर्स नहीं है, तो ICPC में एक क्राइटेरिया रहता है कि हर कॉलेज से जो टॉप टीम है वो तो रीजनल्स में जाएगी जाएगी. हाय गाइस, आई एम प्रशांत, वेलकम बैक टू द चैनल. पर आज की वीडियो में हमारे साथ प्रियांश अग्रवाल, वो अभी कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर हैं, वो कोड शेफ पे 6-स्टार कोडर हैं. इसके अलावा उन्होंने किकस्टार्ट में AIR 1 ला रखी है इंडिया में एंड AIR 6 ग्लोबली, तो बहुत तोड़ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर है. तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में. तो तुम्हें डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं काफी बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज में जिनका पैकेज बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है. इसके अलावा और भी सारी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो डाउट्स होते हैं कि यार कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, या फिर जब तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता तो कैसे उसको अप्रोच करना होता है. पहले प्रियांश का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे. ओके, हाय हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांश, आई एम अ फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस अंडरग्रेजुएट. अभी राइट नाउ आई एम इन 7th सेमेस्टर एंड बाकी मैं 3 साल से कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ. काफी सारे कॉम्पिटिशन दिए हैं, ऑलमोस्ट 400 कॉन्टेस्ट दिए हैं अभी तक. तो मतलब जो भी तुम लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब उनके थ्रू मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी. तो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और मैं ट्राई करूंगा कि इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हारे पास एक मतलब कॉल टू एक्शन हो, तुम्हारे पास कुछ दिमाग में चीजें हो जो कि तुम इंप्लीमेंट कर सको और तुम्हारे मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जर्नी बेटर हो सके. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, हाउ टू स्टार्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, मतलब कैसे स्टार्ट कैसे करनी होती है स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये टॉपिक्स कर लो. फिर लोगों को क्या होता है कि तुम कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट तो करते थे, फिर मोटिवेशन थोड़ी देर के बाद चली जाती है कि यार ठीक है क्यों करनी है, काम चली जाएगा. तो वो कैसे उसको रेजिस्ट करें एंड कैसे स्टार्ट करें. आई थिंक सबसे पहले मतलब एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना लोगों के साथ, वो सोचते हैं कि हम एक महीने सीपी करेंगे एंड हम गॉड बन जाएंगे. तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता. आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सीपी है ना, सीपी इज़ लाइक अ मैराथन. ऐसा नहीं है कि आप एक दो महीने करोगे और एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर पहुंच जाओगे. मतलब हो सकता है आप 2-3 महीने में एक टॉप 10% में पहुंच जाओ सीपी में, मतलब ऑल ओवर इंडिया. बट टॉप 1% में पहुंचने के लिए आपको आई थिंक एटलीस्ट मतलब 6-7 मंथ्स तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे, भले ही आप कितने प्रो क्यों ना हो. तो मतलब फॉर द स्टार्टिंग पार्ट आई थिंक सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसके बाद आप डायरेक्टली जंप इन कर सकते हो सीपी में. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक ऐसी वेबसाइट से स्टार्ट मत करो लाइक कोड फोर्सेस, कोड शेफ, बिकॉज आप ऐसी वेबसाइट से एकदम स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत डिमोटिवेशन मिलेगा. क्योंकि आपको दिखेगा पूरी दुनिया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है, आप नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट इजी. मतलब ये तो हार्श रियलिटी है और स्टार्टिंग में होता है. मतलब मेरे साथ भी होता है ऐसा, मैंने सीधे कोड फोर्सेस से स्टार्ट कर दिया था और मैं तब पाइथन में करता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रन टाइम एरर्स आ रहे हैं, रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, TLE आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो सबसे पहले आप एक थोड़ा बेसिक वेबसाइट से स्टार्ट कर लो, हैकर रैंक से स्टार्ट कर लो, मे बी हैकर अर्थ से स्टार्ट कर लो, या फिर आप गीक्स से स्टार्ट कर लो. इसमें आप क्या करो ना कि बेसिकली थोड़ी मतलब आप प्रॉब्लम्स कर लो, आपको सबमिट करना आ जाए. प्रॉब्लम सबमिट कैसे करते हैं ऑनलाइन जज पे, मतलब वर्डिक्ट्स क्या क्या होती हैं, ये सब आप जान लो. उसके बाद आप क्या करो कि जब आपको लगे कि मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ बेसिक लॉजिक, तब आप ऐसी वेबसाइट पे आ जाओ लाइक कोड फोर्सेस, कोड शेफ, फिर आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो. एंड कॉन्टेस्ट का भी सेम है, मतलब अभी आप एकदम से स्टार्ट मत करो. पहले आप ये समझो कि जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट आप दोगे, जो फर्स्ट 5 कॉन्टेस्ट आप दोगे, उसमें बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. 0 प्रॉब्लम्स हो रही है, 1 प्रॉब्लम हो रही है. मेरे पहले 10 कॉन्टेस्ट में आई थिंक एक दो कॉन्टेस्ट में ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी. तो ऐसा नहीं है कि आपको होप छोड़ देनी है एकदम कि अभी स्टार्ट करें और अभी कुछ नहीं हो रहा तो होप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. बाकी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, एक कोई बेसिक वेबसाइट से स्टार्ट करो, फिर कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे आ जाओ. एंड उसके बाद यही है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेट्स आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आप देखो एडिटोरियल में जाके कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है और क्या मुझे नहीं आता. जो आपको नहीं आता वो आप सीख लो, अगली बार जब वो प्रॉब्लम आएगी आपसे हो जाएगी. तो मतलब आइडिया तो यही है कि आप ऐसे सीखो कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसको उसी टाइम सीखो. ये मत करो कि सब कुछ पहले सीख लिया, सारे डेटा स्ट्रक्चर, सारे एल्गोरिथम्स एक बार सीख लिए, फिर जाके हम सीपी करेंगे. सीपी में आपको ऐसे सीखने को ज्यादा मिलेगा कि एक प्रॉब्लम नहीं हुई और उसका फिर आपने कॉन्सेप्ट देखा और वो पढ़ा. तो ऐसे करके सीखो, मेरा तो ये सजेशन रहेगा इसमें. गॉट तो यार, अपने चैनल पे भी एक गिव अवे चल रहा है जिसमें 2 चीजें गिव अवे हो रही है, तुम्हें पता होगा आईपैड एंड तुम्हारा सैमसंग का टैब. तो उसके लिए तुम्हें एक काफी इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो था तुम्हें क्रायो की वेबसाइट पे जाके फ्री ट्रायल के लिए रजिस्टर करना है. काफी सारे लोगों ने नहीं किया है वो, तो जाके डेफिनेटली वो जरूर कर देना, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स.
उसकी ईमेल से मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ जो तुमने वहाँ पे ईमेल डाली होगी। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी बुक्ड योर फ्री ट्रायल तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर जल्दी से कर देना। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा लिंक मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर Cryo.do। अब Cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। अब यार Cryo वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6 to 40 lakh rupees। Yeah, with 3,000 plus learners and 500 plus grads placed in global MNCs, unicorns and hyper growth startups like Amazon, Grow, Cred, Flipkart, Paytm, Cryo के जो grads हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज। Cryo में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो, ठीक है। अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तुम वहां पे जाकर अपना एक फ्री ट्रायल बुक कर सकते हो एंड उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एनरोल कर सकते हो Cryo के किसी भी कोर्स में। सो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेम एक वीडियो बनाई थी मैंने उत्कर्ष के साथ एंड वो मतलब 7-star कोडर कैंडिडेट मास्टर, उसने बहुत फोड़ा हुआ है। उसने सेम एडवाइस करा था कि जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने के बाद सीधा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। ये मत करो कि पहले मैं सारे डेटा स्ट्रक्चर सीख लेता हूँ, पहले मैं सारी चीज़ें सीख लेता हूँ उसके बाद करूँगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओ, जैसे जैसे जो प्रॉब्लम आती रहे, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होने लगे उसको सीखते रहो एंड ऐसे तुम मतलब जल्दी फास्ट सीख पाओगे। अगर तुम सोचोगे यार पहले सारी चीज़ें खत्म कर लेता हूँ 2 महीने में, फिर 2 महीने बाद कुछ करना स्टार्ट करूंगा, तो जो तुमने पहले सीखा हुआ था क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं, वो तुम भूलते जाओगे और फिर तुम स्क्वायर वन पे आ जाओगे और फिर भाई फिर तुम्हें डीमोटिवेट हो जाओगे, यार छोड़ो यार क्वेश्चन नहीं हो रहे क्या करना है। अब नेक्स्ट चीज़ वही है कि यार अगर प्रियांश क्वेश्चन ना हो रहे हो तो क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ना हो रहे हो, अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो नहीं होंगे। जब आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये माइंडसेट लेके जाना चाहिए कि मैं एकदम नूब हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। आप ऐसा सोच के जाओगे ना तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, कम डिमोटिवेट होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग ना एक प्रॉब्लम पे अगर अटक गए तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जैसे कोई एक बंदा अटक गया प्रॉब्लम पे, 5-5, 6-6 घंटे लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। द रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज मोस्टली बिकॉज मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है जो उसमें प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है। अब वो अगर नहीं आता तो आप 1 दिन लगे रहो, 2 दिन लगे रहो, 10 दिन लगे रहो, नहीं होगा वो। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी आप एक प्रॉब्लम अप्रोच कर रहे हो, आप एक माइंडसेट से ये अप्रोच करो कि 30-40 मिनट्स में एक ऑनेस्ट ट्राई दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा सोल्यूशन देखूंगा। मतलब 30-40 मिनट्स इज इनफ टू ब्रिंग अप लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन योर माइंड रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। उसके बाद अगर नहीं हो रही है, देर इज अ वेरी हाई चांस कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं जिसका, तो आप एडिटोरियल खोलो, एडिटोरियल की ना पहली 2-3 लाइनें पढ़ लो, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली ग्राफ्स की है, ये डीपी की नहीं है, ऐसा कुछ आइडिया आएगा। फिर आप उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो, 20-25 मिनट और सोचो। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो देयर इज अ मतलब हाई चांस कि अब तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, पूरा एडिटोरियल पढ़ लो एंड अगेन उसको कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, लेट से आपको समझ में आ गया कि यार इस प्रॉब्लम में ये लग रहा है, उसको कोड करो। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक प्रॉब्लम पढ़ी और मतलब उनको आइडिया आ गया कि यार ये ऐसे ऐसे होगी, उसके बाद वो छोड़ देते हैं उसको। दी आइडिया इज कि जब आपको एक्चुअली ऑनलाइन असेसमेंट्स में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम मिलेगी, आपको उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो जितना इंपॉर्टेंट एक आइडिया है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट भी है। तो यही है, मतलब स्टार्टिंग में आप क्या करो, जैसे 30-40 मिनट्स आपने लगा दिए, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ लो और उसके बाद आप कोड जरूर करो उस प्रॉब्लम को। तो मेरा ये सजेशन रहेगा इसमें। गॉट इट। तो वही है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है तो तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो ट्राई करो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा एडिटोरियल पढ़ो। अगर तुम्हें समझ आ रहा था कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है पहले से, तो ट्राई करो और थोड़ी देर सॉल्व करने का, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देख लो। और वो आता ही नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो कि कौन सा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ करना है, फिर ट्राई करो तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लो। अब प्रियांश, यार प्रियांश ने किक स्टार्ट दिया था, किक स्टार्ट काफ़ी बार दिया प्रियांश ने, बट एक बार इसकी AIR बनाई थी इंडिया में और उसके थ्रू तुम्हें गूगल से कॉल आता है जनरली एंड तुम्हें इंटरव्यूज़ वगैरह स्केड्यूल हो जाते हैं। तुम्हारा जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसको वो स्किप कर देते हैं एंड तुम्हारा एक और राउंड को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली तुम्हारे इंटरव्यूज़ स्केड्यूल हो जाते हैं। तो थोड़ा बताओगे कि और कौन से कॉन्टेस्ट होते हैं, कौन से प्रोग्रामिंग चैलेंजेस होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं तुम्हें एक अच्छी कंपनी में लाइक इंटरव्यू कॉल आना, या फिर इन जनरल जो कॉन्टेस्ट तुम्हें ज़रूर देने चाहिए?
राइट आई थिंक सबसे पहले गूगल किक स्टार्ट तो हर किसी को देना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से, बिकॉज किक स्टार्ट ना एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें बहुत ज़्यादा सीपी रिक्वायर्ड नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप एक गॉड लेवल पे हो तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे किक स्टार्ट में. गेटिंग लाइक एन अंडर 300 रैंक इन किक स्टार्ट इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर आप एक एक्सपर्ट भी हो ना कोड फोर्सेस पे तो भी आपकी आ जाएगी उतनी रैंक. तो किक स्टार्ट तो आपको हमेशा देना चाहिए, मतलब जो भी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं किक स्टार्ट तो पक्का दो. उसके बाद कुछ ना एक हाई लेवल वाले कॉम्पिटिशन भी होते हैं, जैसे एक होता है गूगल कोड जैम, एक होता है फेसबुक हैकर कप. तो ये वाले जो कॉम्पिटिशन है ना ये एक्चुअली थोड़े हाई लेवल हैं, मतलब आप इनकी पहली प्रॉब्लम भी पढ़ोगे ना तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है. तो इन ये जो कॉन्टेस्ट है इन पर आप एकदम डायरेक्टली जंप इन मत करो. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं डायरेक्टली ये कॉन्टेस्ट देता था और इतना डीमोटिवेशन होता था, मतलब मैं कोड जैम की प्रॉब्लम देख रहा हूँ मुझसे एक भी नहीं हो रही है पूरे कॉन्टेस्ट में, और एकदम दिमाग खराब हो जाता था कि यार क्या है ऐसा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 3 घंटे बैठे हुए हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कॉन्टेस्ट हैं फेसबुक हैकर का, गूगल कोड जैम, और कुछ कॉन्टेस्ट ना कोर्डिनेशन भी कराती है. तो ये वाले कॉन्टेस्ट जो है ये एक्चुअली हाई लेवल है, इन पे अगर आपने जैसे 1-1.5 साल मतलब सीपी कर रखी है तब आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. तो मतलब ये कॉन्टेस्ट तो है ही. उसके बाद एक आईसीपीसी होता है, आईसीपीसी भी मेरे हिसाब से हर किसी को देना चाहिए, बिकॉज मतलब आईसीपीसी में 3 राउंड्स होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, फिर रीजनल्स होता है और एक फिर वर्ल्ड फाइनल्स होता है. इवन इफ यू रीच द रीजनल्स ना तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कंसिडर करी जाती है. अगर आप कहीं बोलते हो कि मेरी किक्स मतलब कोड फोर्सेस पे मैं मास्टर हूँ या कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर हूँ, उससे भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट यह है कि आप आईसीपीसी में रीजनल्स जाओ. राइट. अगर आप उसको रेज्यूमे पे लिखते हो तो हर कोई जानता है आईसीपीसी क्या होता है, तो उसकी काफी वैल्यू है. और आईसीपीसी में एक बढ़िया चीज़ होती है ना कि स्पेशली फॉर पीपल जिनका कॉलेज ज्यादा बढ़िया नहीं है, जैसे अगर आप Tier 3 कॉलेज से हो या फिर आपके कॉलेज में ज्यादा कोडर्स नहीं है, तो आईसीपीसी में एक क्राइटेरिया रहता है कि हर कॉलेज से जो टॉप टीम है वो तो रीजनल्स में जाएगी जाएगी. तो इवन इफ यू आर नॉट द वेरी बेस्ट इन सीपी, अगर आप कॉलेज में अच्छे हो तो भी आप एक रीजनल्स में जा सकते हो. एंड इट्स द सेम, अगर एक IIT का कोई बंदा रीजनल्स में जा रहा है और आप रीजनल्स में जा रहे हो, देन बोथ ऑफ देम आर राइटिंग द सेम थिंग ऑन द रेज्यूमे. राइट. नोबडी नोज कि भाई आप उतने भी प्रो नहीं हो. तो रीजनल्स में तो मतलब रीजनल्स उतना मुश्किल नहीं है क्वालिफाई करना, स्पेशली अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो. तो आईसीपीसी दो. और एक चीज़ और है कि हैकर अर्थ पे ना, हैकर अर्थ और कोड शेफ पे आजकल थोड़े हायरिंग वाले कॉन्टेस्ट भी होने लग गए. मतलब हैकर अर्थ पे तो पहले भी होते थे बट कोड शेफ पे भी होने लग गए आजकल. लाइक कंपनीज लाइक बाइट डांस, मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी हायर कर रही है कोड शेफ से. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हायरिंग वाले कॉन्टेस्ट तो पक्का दो. मतलब ये नहीं कि यार कोई सा भी कॉन्टेस्ट उठा के दे दिया कुछ, मतलब उसका कोई मतलब नहीं, आपने कॉन्टेस्ट उठा के दे दिया कंपनी का नाम भी नहीं पता. बट जब कंपनीज हायर कर रही हैं आपको पता ही कोड शेफ से या फिर हैकर अर्थ से कहीं से भी हायर करें, तो आप वो वाला कॉन्टेस्ट भी दो, बिल्कुल दो उसको. और कॉन्टेस्ट तो एज सच कुछ नहीं है, बट बाकी तो आप कोड फोर्सेस कोड शेफ रेगुलरली करोगे तो आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी. राइट. और फिर आप उस रेटिंग को भी रेज्यूमे में डाल सकते हो. किसी के पास आप रेफरल लेने के लिए जाओगे तो वो भी यही बोलेगा कि यार ये तो 6-स्टार कोडर है या फिर एक कैंडिडेट मास्टर है, इसको तो पक्का ही कोडिंग अच्छे से आती है तो इसको तो रेफरल दे ही देते हैं. मतलब ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं किसी से रेफरल मांगता हूँ ना तो जब मैं उन्हें अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ तो देर ले कि भाई इसको तो पक्का ही रेफर करेंगे, और काफी अच्छा लगता है कि मतलब वो खुद से सामने से बोलते हैं कि तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है. राइट राइट. तो ये चीजें हैं, मतलब कॉन्टेस्ट हैं और थोड़े कॉम्पिटिशन है जिनको आप ट्राई कर सकते हो. एग्जैक्टली. सही है. तो भाई जो कोर्स फोर्सेस में जो कॉन्टेस्ट होते रहते हैं वो तो तुम देख ही सकते हो. इसके अलावा लाइक किक स्टार्ट हो गया, तुम्हारा गूगल कोड जैम हो गया, उसके अलावा जो तुम्हारा फेसबुक का हैकर कप होता है, ये सारे कॉन्टेस्ट भी देने हैं. बट जब तुम थोड़े एक अच्छे लेवल पे आ जाओ फिर, एंड आईसीपीसी तो तुम्हें ट्राई करना ही करना है. राइट. तो प्रियांश एक लास्ट क्वेश्चन है. अब जो बंदे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जिन्होंने अभी लाइक कॉलेज अपनी जर्नी स्टार्ट ही करी है, उनको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, फिर इन जनरल अच्छा कोडर बनना है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव कोडर अच्छा बनना है, तो कुछ टिप्स वगैरह हो आपकी? ओके. तो अगर आपने स्टार्ट करी है ऐसे ना, स्टार्टिंग में तो मतलब आपको बस ये माइंडसेट लेके जाना है थोड़ा सा कि एक ये मैराथन है, ये मतलब स्प्रिंट नहीं है. सबसे पहले आप ये सोच के जाओ. दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी डेवलप करने पे ना स्टार्टिंग से ही काम करो. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप हर दिन 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, आपको रियलाइज होगा कि यार 1 साल के एंड तक आपने 700 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. आप ये 1 महीने में नहीं कर पाओगे, बट जब आप अपना देखोगे ना जर्नी की, आपने 1 साल में हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स करी हैं, एंड में जाके बहुत बड़ा नंबर बन जाता है. ठीक है, सिमिलर मतलब ये जैसे इन्वेस्टिंग नहीं करते हम, सेम ही होता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, एंड में जाके आपको पता चलेगा बहुत बड़ा अमाउंट बन गया. तो सेम चीज़ है. अब कंसिस्टेंसी पे आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि अगर आप अभी स्टार्ट करो ना, तो आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे एक दिन में 5-5 प्रॉब्लम्स करनी है. आप स्टार्टिंग में ये गोल रखो कि यार एटलीस्ट मैं अगले 7 दिन तक कोड फोर्सेस पे जाऊंगा और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, भले इजी वाली हो. आपने 7 दिन जाके जब ये चीज़ करी ना, तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. आप प्रॉब्लम का नहीं सोच रहे होता, आप बस ये सोच रहे हो कि मुझे हर दिन कोड फोर्सेस पे शो अप करना है. ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब मेन जो क्राइटेरिया यही है ना, वो यही होता है कि आप हर दिन शो अप करो. भले आप ज्यादा कुछ ना करो बट लेकिन हर दिन आप शो अप करो. आप 7 दिन तक ये चीज करो, 8वें दिन आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आज तो कोड फोर्सेस नहीं खोला, पिछले 7 दिन से खोल रहे थे, चलो आज आके खोल लेते हैं और कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग आप एक एक प्रॉब्लम से करो, एंड में आपको पता चलेगा कि आप मतलब 2-2, 3-3 भी कर पा रहे हो, 5-5, 6-6 भी कर पा रहे हो.
तो ये चीज़ है। दूसरा एक मैं और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जब सीपी कर रहे हो ना, तो आप अकेले मत करो उसको, मतलब ये बहुत लंबी जर्नी है और आप डीमोटिवेट हो गए टाइम टू टाइम। तो बेटर ये रहेगा कि आप या तो कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ठीक है, जैसे डिस्कॉर्ड पे काफ़ी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं सीपी की, जैसे मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, एरिक्टो का डिस्कॉर्ड सर्वर भी है। तो ये जो सर्वर्स है ना, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि सब लोग ही सीपी कर रहे हैं। अगर आप सीपी वाला सर्वर ज्वाइन करते हो तो आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, और इससे आपको पुश मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं अटके हुए हो, जैसे आपको कोई डाउट आया, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है, फिर ये चीज़ में कैसे होगा, तो आप वहाँ पर डाल सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन रहते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प करने को रेडी रहेंगे, और मतलब खुद भी हेल्प करो, ऐसा नहीं कि सब सिर्फ मतलब दूसरों से बोल रहे हो कि मेरी हेल्प करो, खुद भी अगर आप कम्युनिटी में हो तो दूसरों की हेल्प करो, और इससे आप खुद भी सीखोगे। तो यही है मतलब, बाकी थोड़ा अवेयर रहो कि मतलब जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, clist.by करके एक वेबसाइट है, तो इन पे कॉन्टेस्ट लिस्ट होते रहते हैं कि कौन से कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा अवेयर रहो। बाकी मतलब यूट्यूब पे तो काफ़ी कंटेंट मिलेगा आपको कि यार ये कॉन्टेस्ट है या फिर ये सब ऐसे करते हैं, वेबसाइट पे भी, वेबसाइट के साथ भी अवेयर रहो, थोड़ा यूट्यूब के पे भी मतलब अवेयर रहो। सही सर, प्रियांश का यूट्यूब चैनल है, तुम लोग जानते हो गए, नहीं जानते तो नीचे लिंक तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा था प्रियांश, तुम जाके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी इंसाइटफुल था प्रियांश के साथ ये जो पूरा डिस्कशन था, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसने बताया हमें, तो थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, काफ़ी मज़ा आया। चलो ठीक है यार, तो इतना आज वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।